कैसे करनी चाहिए कद निर्बंध कर नियम इतना माला हमें करनी है, क्योंकि अगर निर्बंध नहीं करके नियम करके नहीं करेंगे, जब इच्छा तब का हरिनाम कर लिया, कभी किया ही नहीं, माला जहाँ के तहाँ माला लटक रहा है, हर नाम का प्रति हमारी निष्ठा नहीं आता है। इसलिए गुरुदेव ने बताया माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए, माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। भूखा मतलब गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव ये हरिनाम दिए, वो हरिनाम नहीं दिए साक्षात कृष्ण को ही हमें दिया, कृष्ण स्वयं हमारे पास में आए। जब हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम नहीं उनका सेवा करते, क्योंकि कलियुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण कलियुग में अपना हरिनाम रूप में कृष्ण कलयुग में नाम रूप में आए हैं। इसलिए हरिनाम करना मतलब कृष्ण की सेवा ही करना है, कृष्ण सेवा करना। इसलिए माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए, मतलब ऐसे किसी नहीं गया जितने माला ही नहीं किया, हमने माला ही नहीं जप नहीं किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास में महाप्रसाद लेकर के आए, नियम है महाप्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्य, मतलब महाप्रसाद आने का साथ साथ उसको सम्मान करनी चाहिए, मतलब जरूर खानी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के पास में महाप्रसाद लाए सवेरे सवेरे, अभी उन्होंने स्नान नहीं किया, उन्होंने अपना शौच क्रिया भी नहीं किया, स्नान नहीं किया, महाप्रभु जब प्रसाद लेकर के आए ना, बस मतलब प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य, क्योंकि जो महाप्रसाद है वो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। कितना महाप्रसाद है, गोविंदे नाम ब्रह्मे वैष्णवे सल्प पुण्यं बतांग राजन विश्वास नहीं जाए। जो चार वस्तुओं के प्रति, चार वस्तु में जिसका अल्प पुण्य है उनको चार वस्तु में विश्वास नहीं होता है। बोले चार चीज क्या है, बोले महाप्रसाद, कृष्ण भगवान का नाम और भगवान का नाम और कृष्ण गोविंद, मतलब महाप्रसाद गोविंद नाम प्रभण और वैष्णव, और जो वैष्णव लोग हैं कभी जिनका कम पुण्यवान, कभी ये चार व्यक्ति का प्रति उनको विश्वास नहीं होता। ये चार वस्तु साक्षात भगवत स्वरूप, ये चार वस्तु है, ये साक्षात भगवत स्वरूप ये चार वस्तु है। इसलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास में महाप्रसाद आए, अभी वो स्नान भी नहीं किया, शौच क्रिया भी नहीं किया, बस आते ही उन्होंने भोजन किया, वो आते ही मुंह में ग्रहण किया, क्यों कहते प्राप्ति मात्र में ही उसको सम्मान करनी चाहिए। लेकिन वही महाप्रसाद जब महाप्रभु लेकर के हरिदास ठाकुर जी के पास में आए, लेकिन हरिदास ठाकुर रोज महाप्रसाद ग्रहण कर लेते थे, साक्षात भगवान लेकर के आए और भगवान का प्रसाद आते ही ग्रहण कर लेते थे, लेकिन आज हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आज आप ग्रहण नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते हो, बोले आज हमने जो फिक्स नंबर हरिनाम करता था आज मेरी माला पूरी नहीं, वो कितना हरिनाम करते थे, बोले 3 लाख,
3 लाख हरिनाम करते, 3 लाख हरिनाम करके फिर जाकर किसी वस्तु को ग्रहण करते थे। कहते आज हम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि आज संख्या माला मैंने पूरी नहीं की। लेकिन कभी कभी हम बहाना बना देते हैं, क्या बहाना, अरे महाप्रसाद आते ही एकदम सम्मान करनी चाहिए, महाप्रसाद आते ही सम्मान करनी चाहिए, भले ही माला संख्या पूरी नहीं की, माला संख्या हमने किया नहीं, बस बोले महाप्रसाद है ना लाओ जल्दी 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 महाप्रसाद लाओ। कहते नहीं, हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद को ग्रहण उन्हें नहीं किया, बोले नहीं आज मेरी माला पूरी नहीं हुई। हम लोगों को शिक्षा देते हैं भैया ऐसे नहीं, महाप्रसाद को सम्मान करनी चाहिए, ऐसे नहीं तुम्हारी माला पूरी नहीं हुई, अब प्रसाद आते ही बस प्रसाद सेवा करना शुरू कर दिया। कहते ऐसे नहीं करनी चाहिए, सबरे कुछ माला करके हरिनाम ग्रहण करनी, प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए, ये निष्ठा है। हाँ ये निष्ठा है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम कैसे करनी चाहिए, बोले संख्या पूर्वक संख्या रख कर कितने माला करनी चाहिए। इसलिए बोलते जैसे 16 माला करते हो, नहीं तो 32 माला करते हो, 1 लाख माला करते हो, जिसको करते हो उसको एक संख्या रख कर करो इतना माला करनी चाहिए, उससे जितना ज़्यादा करते हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ संख्या रखो इतना माला हमें करनी चाहिए। कहते थे अगर वो माला आज हमारी पूरी नहीं हो पाई, जो जितना संख्या रख कर करते थे आज वो माला हमारी पूरी नहीं हो पाई, फिर क्या करो, किसी कारण बसत हो, हाँ किसी कारण बसत हो वो माला पूरी नहीं हुई है, फिर क्या करनी चाहिए, जैसे आज बहुत ज़्यादा जन्माष्टमी आ गई, राधाष्टमी आ गई, हाँ कोई विशेष तिथि आ गई, इसलिए तुम्हारी माला पूरी नहीं हो पाई, फिर क्या करो, दूसरे दिन वो जो माला दूसरे दिन उसको माला को पूरी करो, दूसरे दिन माला को पूरी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कैसे हरिनाम नियमित करके हरिनाम करनी चाहिए। अगर ऐसे कोई हरिनाम करता है ना, कभी जो अनर्थ है ना, जो असतृष्णा हृदय के अंदर में जो भगवत चिंता छोड़ कर की जो उल्टा पुल्टा चिंता हृदय में, हृदय दुर्बल, हृदय का जो दुर्बलता, जो अपराध है, जो तत्व भ्रम, जो चार तरह का अपराध है, चार तरह का अनर्थ है, कभी जल्दी जल्दी तुम्हारी जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएगी। क्यों, जब संख्या करके नाम करेंगे पर तुम्हारे समय कहाँ, तुम्हारे समय कहाँ इधर उधर चिंता करने का, तुम्हारे समय इधर उधर चिंता करने का है। इसलिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए, नियम करके हरिनाम करो। और पहले हमने सुना था हरिनाम करने के लिए कुछ समय ऐसे निकालो जो एक जगह पर बैठ करके तुलसी के सामने हो, नहीं तो ठाकुर जी के सामने हो, हैं कुछ समय ऐसे निकालो जो कि हरिनाम कर, हरिनाम कर। इसलिए आप देखना बहुत दिन तक कभी कभी हरिनाम करने पर भी लेकिन मन की कभी परिवर्तन तो नहीं होता, बल्कि जहाँ हम वहीं है। नहीं तो कभी कभी ये होता है ऊपर से भी धीरे 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 ऊपर से भी धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं। तो यहाँ कह प्रभुपाद कहते फिर ऐसे क्यों होता है, क्या हरिनाम में ताकत नहीं है, प्रश्न है क्या हरिनाम में ताकत नहीं, तुम जो पहले था हरिनाम करने पर धीरे 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 चित्तवृत्ति उन्नत होनी चाहिए ना, चित्तवृत्ति धीरे धीरे ऊपर उठनी चाहिए, फिर ऊपर से फिर नीचे क्यों उतर आने लग जाती है। पहले हम जितना भजन कर साधन करते थे फिर उसको फिर नीचे क्यों उतरने आने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर तो जानी चाहिए ना, नीचे फिर क्यों उतरने लग जाते। प्रभुपाद के दिशा कारण है जैसे जेरूपे ना लैले नाम प्रेम उपजय तहार स्वरूप लखन सुन राम राय। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जैसे हरिनाम करनी चाहिए वैसे हमने हरिनाम नहीं किया करते हैं, वैसे हरिनाम नहीं करते, इसलिए हमारे चित्तवृत्ति ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। इसलिए नियम क्या है कई कोई बताए ना, जब हम किसी दूसरों को देखते हैं बलारी इतना साल से आया, इतना साल से आया संसार में चला गया, संसार में चला गया, अगर हम भजन करेंगे भविष्य में फिर हमारा जीवन कौन देखेगा, कोई कोई चिंता हमारे फिर हमारा जीवन कौन देखेगा, अगर भजन किया तो इधर उधर हुआ था हमारा जीवन कौन देखेगा। अब तरह तरह का ना कभी कभी साधुओं के मन में तरह तरह का शंका
तरह तरह का संदेह आने लग जाता है। उसका मन में संदेह आने, हमारा भविष्य क्या होगा, भविष्य कौन देखेगा, हैं, भविष्य कौन देगा, तो मन में संदेह आने लग जाती है। तब कहते भाई इसका कारण क्या है, कारण है हम जैसे हरिनाम करने चाहिए ना, हम वैसे हरिनाम नहीं कर सकते। अगर तुम सही से हरिनाम करोगे एक अनुभूति होता है, भक्ति परेशान अनुभव विरक्ति अनुभव, भक्ति करोगे तो भगवत अनुभूति होगी, हैं, और फिर विषय से अपने आप मन चित्तवृत्ति विषय से हटता है। पहले भक्ति, अगर सही सही भक्ति करेंगे, अगर हम सही सही हरिनाम किया, रो रो करके एक जगह पर बैठ करके आप सही सही हरिनाम करो, आप देखोगे आपका अंदर में एक दिव्य आनंद बा कुछ अनुभूति आपको हो, आपको जरूर अनुभूति होगी। जब आपको अंदर से वो अनुभूति होगी ना, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे अंदर में पूर्ण विश्वास आएगा। हमारे मन में विश्वास क्यों नहीं आ रहे, कारण भक्ति हरिनाम हम सही सही हरिनाम कर ही नहीं रहे। जैसे करनी चाहिए ना, हम वैसे हरिनाम कर नहीं रहे। जैसे श्री अम्बरीश महाराज, जैसे अम्बरीश महाराज, उन्होंने अम्बरीश महाराज श्री दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण में आए थे और उनको समय निकलते हुए जा रहा था, उन्होंने सब चरणामृत से व्रत खोल लिया। दुर्वासा ऋषि का बड़ा क्रोध आ गया, हैं, बोले मैं एक ऋषि हूँ ब्रह्मर्षि, मेरे को निमंत्रण करके बिना खिलाए तो मैंने कैसे खा लिया। उन्होंने क्या किया, कृत्या को प्रकट किया, राक्षसों को प्रकट किया, सुर मारो। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या भागे इधर उधर, क्या अम्बरीश महाराज भागे, नहीं, क्यों, उनको पूर्ण विश्वास है, रक्षति इति विश्वास, कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, इनका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। जब चिट्ठी से लेकर हाथी को पालन करते हैं, हम नहीं करेंगे, हमें रक्षा नहीं करेंगे, ऐसे विश्वास कैसे आएगा। हरिदास ठाकुर जी को जब पकड़ कर ले जा रहे हैं, बोले तुम क्यों हरिनाम करते, चलो तेरे को काजी बुला रहे हैं, तेरे राजा बुला रहे हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कहती ये मुसलमान की क्या डर है, जो भक्त है ना, यहाँ तक भी जम को भी काल को भी नहीं डरते, ये कह रहे हैं इनको इतने भगवत विश्वास है, इनके हृदय में इतने भगवत विश्वास है कि साधारण मुसलमान राजा क्या करेगा, बोले उनको साक्षात काल को भी नहीं डरते हैं, बल्कि दुनिया काल को डरता है, लेकिन ये काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। लेकिन जो काल चक काल को सब डरते हैं, लेकिन काल किसको डरता है, बोले काल डरता है भक्तों, काल डरता है। कारण क्या, बोले कारण है उनको जो भजन करते हैं ना, जो भजन भक्ति करते हैं, इनको ये पूर्ण विश्वास है एक दिन कृष्ण हमें जरूर कृष्ण हमें रक्षा करेंगे। लेकिन ये विश्वास कब होगा, कहते विश्वास कब आएगा, लेकिन जब भजन करेंगे, भजन में कमजोरी होगी ना, फिर तो विश्वास हमें नहीं आएगा। फिर तो विश्वास क्या होगा, ये दुनियादारी में विश्वास होगा, ये संसार का प्रति विश्वास होगा, नहीं शायद हमारे बच्चे हमें देखेंगे, शायद बहू हमें देखेंगे, शायद परिवार देखेंगे, अब तो घर गृहस्थी कर रहे हैं, घर गृहस्थी कर रहे हैं, इसलिए फिर तो दुनिया के ऊपर विश्वास होगा, भगवान पर विश्वास तुम्हारी नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम सही सही हरिनाम करेंगे ना, सही सही हरिनाम करेंगे, फिर तो हमारी पूर्ण विश्वास भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा, फिर तो दुनिया भले छूटेगा लेकिन भगवान की भक्ति उसकी नहीं छूटेगी। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं हरिनाम क्या करो, उच्च स्वर में हरिनाम करो, उच्च स्वर में जब हरिनाम करेंगे, संख्या करके सही सही हरिनाम करेंगे, कहते कि जगत का जो विद्रूप है, जगत का जो तरह तरह का जो हंसी दिलाई करने वाले, बाधा देने वाले, जगत में आपको भक्ति जगत से चुप करने के लिए उल्टा पुल्टा करने वाले, जैसे श्री हम सुन रहे थे ना, जैसे श्री श्रीवास पंडित जब हरिनाम कर रहे थे, गोपाल चापाल ने हैं उनको नाम पर बदनाम कराने के लिए कोशिश किया है, और कहते जो राजा ने हरिदास ठाकुर को बदनाम कराने वेश्या के चक्कर में है उसको वेश्या भेज दिया, उसको भजन से गिरा दो, उसको भजने से गिरा दो। लेकिन जो भक्ति करते हैं ना, उनको पूर्ण रूप में भगवान के प्रति विश्वास है, पिछले जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग कहीं हो, तभी ये चीज आएगी जब हृदय से भजन सही सही भजन, हमारी भक्ति भी सही सही बनी
चाहिए, होने पर तभी भगवान के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास आएगा। इसलिए कल हम लोग ये सुन रहे थे उनका जो 12वां नंबर उपदेश है, कहते संबंध ज्ञान रे सहित हरि नाम करिले कौन विषय अपना कौन अनिष्ट करते पारवे ना। यहाँ पर कह रहे हैं हमें हरि नाम कैसे करनी चाहिए, हमें हरि नाम कैसे करनी चाहिए, बोले हरि नाम करनी चाहिए संबंध ज्ञान को साथ में, हरि नाम करनी चाहिए संबंध ज्ञान को साथ में। हमें हरि नाम अगर करेंगे ना, कहते कौन विषय अपना कौन अनिष्ट करते पर अपना कोई तुम्हारी अनिष्ट नहीं कर सकते। इसलिए साधारण रूप में जो संबंध ज्ञान है, कहते जीवर स्वरूप है कृष्ण, साधारण रूप में जो संबंध ज्ञान है, जीव का स्वरूप क्या है, हम कौन है, हम कौन है, कृष्ण का हम नित्य दास है, कृष्ण का हम नित्य दास, ये संबंध ज्ञान होनी चाहिए। जब ये संबंध ज्ञान होगा हम कृष्ण का ही हम नित्य दास है, अगर ये संबंध होगा तो फिर क्या होगा, पर जब हम कृष्ण का नित्य दास है फिर उनका दासत्व तो करनी चाहिए, उनकी सेवकाई करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी कहते हैं कहते मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं कौन हूँ, कहते मैं सेवक रघुपति कौन है, मेरे पति है, हाँ ये रघुपति मेरे पति है, कति ये भाव कभी नहीं जाननी चाहिए। इसलिए जो हरिनाम करनी चाहिए, कति ये संबंध ज्ञान को साथ में अगर ये हरिनाम करेंगे हर जगत में आपका कोई कुछ अनिष्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे अनिष्ट तभी होता है जब हमारी संबंध ज्ञान नहीं, प्रभु जी इधर कहते तब भी हमारी तरह तरह का बाधा विपत्ति वा भजन में विमुखता आती है जब हमारे अंदर में संबंध ज्ञान नहीं रहता। हमारे संबंध ज्ञान किस चीज के, हम जो हमारे जो संसार का जो संबंध ज्ञान है, कहते हमारे जो संबंध ज्ञान है ये संसार के प्रति हमारे संबंध ज्ञान है, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पति है, ये मेरी भाई है, हमारे जो संबंध ज्ञान है ना इस दुनिया में हमारे संबंध ज्ञान है। इसलिए हम भक्ति से कभी कभी विमुख हो जाते हैं। अगर हमें ये पता चले कृष्ण ही हमारे प्रभु, हम उनका नित्य दास, यही संबंध ही एक संबंध, दुनिया का कोई संबंध और संबंध है ही नहीं है। इसलिए बोले सोचना सदस्यु, जिसको हम अपना संबंध ज्ञान मान रहे ना वो कौन है, बोले ये दस्यु सबके सब, ये डाकू है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं है? सीत आत बात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे विफल से बिनु कृपण दुराजन चपल सुखल। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं हम कर रहे हैं क्या, कहते ए दिन जामिनी सीत, संसार में जो लोग पैसा कमाते हैं उनको पता होगा कितने कष्ट करके, कभी ठंडा में, कभी गर्मी में, कभी बारिश हो रही है, कभी रात को सोते नहीं, कभी दिन को सोते नहीं, हैं नहीं सो कर क्या कर रहे हैं, ए दिन जामिनी जागिरे बोले विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लवलागिरे। हम जिसको अपना परिवार मान रहे हैं, यदि ये हमारा थोड़ी सही परिवार है, हैं यदि ये सबके सब कृपण हैं, ये सबके सब हमारे कौन चूस रहे हैं, सबके सब हमारे कौन चूस रहे हैं, ये सबके सब कौन चूस रहे हैं। लेकिन देखो हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं ना, बताओ क्यों कर रहे हैं, अपना लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, है ना। हम पति को कैसे खुश करें, अपना पत्नी को कैसे खुश करें, बच्चों को कैसे खुश करें, अपना लड़का लड़की बहू को कैसे खुश करें, इसलिए तो सारे काम कर रहे हैं। आप ये बताओ अभी तक हमारे ऊपर कोई खुश हुए हैं, आप बोल दो, हम तो कोशिश कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, अपना खुश के लिए दूसरों को खुश के लिए कर रहे हैं हम, दूसरों के अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई खुश हुए हैं, आप देख रहा बदनामी सिवाय और कुछ करते हैं। लास्ट ना सेवा करते करते थोड़ी सी उधर तुमने मेरे लिए किया, बच्चों को लाल लो पाल लो बड़े कर दिए हो, हाँ उसको बड़े कर दिए हो, थोड़ी सी उधर उधर हो जाए ना, बोले तुम मेरे लिए क्या किया हो। कोई भी अभी तक हम किसके ऊपर खुश नहीं कर सकते किसी को, बल्कि हमारे ऊपर बदनाम बदनाम भी देंगे और कुछ नहीं। बदनाम किसी लगे ये संसार नहीं है रहने का, ये दुख ही सहने का, दरबार में राधा रानी के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए कहते ये संसार नहीं है रहने का, ये संसार रहने का स्थान नहीं है, दुख ही दुख ही सहने का, केवल दुख ही दुख है। इसलिए अगर हमें ये ज्ञान हो संसार, इसलिए अगर चपल सुख लब लागी रही, हम जो कुछ कह रहे हैं चपल सुख, चपल मतलब वो चंचल है, अभी थोड़ी सुख फिर दुख, बात झूठे सुख के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन जान चौवन हम इसके लग संसार में लगा देते हैं। संसार कैसे है, उदाहरण देते हैं ना, जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं, एक बार दे दो मैक्सिम जूस निकल गया, बोले और थोड़ा जूस, फिर डबल करके फिर देंगे, बोले नहीं और थोड़ा, फिर चार डबल करके देगा, बोले और थोड़ी सी है, फिर आठ डबल करके फिर देंगे। जब सारे जूस नहीं निकलतेगा ना, सारे जूस को जब निकलता फेंकेगा नहीं, फिर जला करके रोटी बनाएगा, उसके फिर जला करके संसार बड़ा, संसार में जो दिख रहा है ना प्रीति ममता देख रहे हैं ना, वो प्रीति ममता नहीं दिख रहे, चूंकि आपके अंदर में और थोड़ा जूस है, और थोड़ा जूस निकल सकता है, और थोड़ा जूस निकल सकता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम संबंध ज्ञान को साथ में हैं, अगर हरिनाम करें, संबंध ज्ञान मतलब कृष्ण ऐसे है वो कभी बेईमानी नहीं कर सकते, वो कभी बेईमानी कभी नहीं कर सकते, उनके लिए इतना करो ना, बोले सल्प मपस्य धर्मस्य श्रायते महत भयात्, उनके लिए अगर इतनी सी करो को याद रखते हैं, भगवान के अंगुल कट गया, द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ कर अपना बैंडेज कर दिया, देखो ठाकुर जी सोच रहे हैं कब इसका ऋण उतार, कब मेरे को मौका मिले, कब इसका ऋण, कब मैं ऋण उतार, कब मैं ऋण उतार, अरे भरी सभा में जो लाज जा रही थी, पहले द्रौपदी बड़ी टीम मानती थी, क्या पांच पांच मेरे पति है, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, सर्वश्रेष्ठ भला, बड़े बड़ा अभिमान थी, लेकिन द्रौपदी लास्ट तक देखा ये कोई भी मदद करने वाले नहीं, कोई मदद नहीं किया, भरी सभा में कोई मदद नहीं कर रहे थे, वो आप फार फार कर देख रही थी, अपना गुरुजनों को भी देख रही थी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र कुछ तो कुछ बोले ही नहीं, लास्ट में किसने सहारा किया, हाँ जब दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हारे, बस लास्ट के वक्त मदद किसने किया है, ये बात ये द्रौपदी उत्तरा को ही बात कह रही है, बोले उत्तरा ये मेरे आजमाया हुआ चीज है, मैंने स्वयं देखा है, पहले मेरी बड़ा घमंड थी सब मेरे को रक्षा करने वाले, लेकिन अंतिम समय में देखा कोई भी हमारे साथ, इसलिए अगर कोई साथ देगा ना कौन देगा, लेकिन कभी कभी हम उसे ही भूल जाते हैं, उसको ही भूल जाते हैं, जो करने वाले नहीं है ना उनको पीछे हट कर, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया हरिनाम जो करना संबंध ज्ञान को साथ में, हम कौन है कृष्ण, हम सबके सब कृष्ण नित्य दास, कृष्ण की हम नित्य दास है, नकद ये एक साधारण रूप में संबंध है, लेकिन जो जो और जो संबंध है कहते ये हरिनाम करते 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 हैं, कहते नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृतम हृदय, मतलब जीव के हृदय में एक नित्य सिद्ध भाव विद्यमान है, दास रस में हो नहीं तो उनका सख्य रस में हो नहीं तो इसकी बात्सल रस में हो नहीं तो मधुर रस में हो, जीव के हृदय में एक भाव नित्य सिद्ध रूप में विद्यमान है, लेकिन जब हम हरिनाम करेंगे ना, हरिनाम जब करेंगे, हरिनाम करते करते सब जब करेंगे क्या होगा, धीरे 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 वो भाव धीरे धीरे हमारे हृदय में धीरे धीरे वो भाव प्रकट होगा, जब वो भाव धीरे धीरे अपना जो असली जो भाव है जब धीरे धीरे वो असली भाव प्रकट होगा, बस फिर हम समझ जाएंगे हमारा जो असली जो संबंध है ना ये दुनिया में किसी को साथ में हमारे कोई संबंध नहीं, संबंध तो केवल श्री कृष्ण को साथ में, संबंध तो श्रीमती राधा रानी को साथ में संबंध है, और किसको साथ में हमारी संबंध है नहीं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो हरिनाम कैसे करनी चाहिए, बोले संबंध ज्ञान को साथ में जब हम हरिनाम करेंगे फिर क्या होगा, कौन विषय अपना रे कौन अनिष्ट करते पारवे ना, फिर तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, संबंध पूर्वक हरिनाम करनी चाहिए, कहते इनकी बारह नाम पर कहते उसने कहा जो तेरहवा नंबर उपदेश है
कहते श्री नाम साक्षात भगवान, केवल सांसारिक चक्के भगवान रे नाम ओ भगवान रे पृथक बोध है, मुक्त गण श्री नाम कई भगवान जाने। उनका तेरहवां नंबर उपदेश है। क्या उपदेश है? कहते जो नाम है ये कौन है? कहते ये नाम साक्षात भगवान, इसलिए बोले अभिन्नत्वात् नाम नाम है, नाम और नाम ही कृष्ण और उनको नाम में कोई फर्क नहीं, नाम ही ये नाम ही साक्षात ये कृष्ण साक्षात नाम है। इसलिए लेकिन सांसारिक चक्के भगवान नाम और भगवान पृथक बोध है, लेकिन साधारण रूप में देखो कहते साधारण रूप में देखो क्या लगता है, जैसे कृष्णा और कृष्ण का जो नाम है ये जैसे हरि बोल कब ही है इधर भेज, इसलिए साधारण रूप में क्या दिखता है कृष्ण और कृष्ण नाम में साधारण रूप में इसमें फर्क दिखता है, लेकिन तत्वतः कहते कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है, बल्कि यहाँ पर बताया हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम ही। एक स्टोरी सुन लो, मतलब एक समय श्री नारद जी ब्रह्मा जी को पास मिल गए, अपना पिताजी को पास मिल गए, मतलब पिताजी हमने सुना भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा जी बोले हाँ, बोले मैं मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकते हैं, जब भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं हम प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरे तो चार ही मुँह, मैं तो चार ही मुँह, अनंत देव अनंत काल से अनंत मुँह से अनंत ब्रह्म का नाम को वर्णना कर रहे हैं, अभी भी हम तो उसकी पाए नहीं, अभी मैं चार ही मुँह में कितने प्रकाश प्रभु जी की है कितनी तरह इसलिए कहते मैं अनंत काल से अनंत नाम को मैं व्याख्या कर रहा हूँ वर्णना कर रहा हूँ, अभी तक भी नाम का कोई अंत हमें मिला ही नहीं, इसलिए अभी मैं चार मुंह में कितना हरि नाम का महिमा बताऊँ? बोले फिर इस चीज़ को कौन हमें बता सकता है, बोले तुम जाओ शंकर जी को पास में जाओ, क्योंकि शंकर जी की पांच बदन है और शंकर जी कौन है वैष्णवा नाम यथा वैष्णव में अग्रगण्य, और शंकर जी के बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होता है। राम अवतार में कहते रुद्र देह तेजी नेह बस वानर भय, जब उन्होंने देखा ये बात शिव स्वरूप में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, फिर उन्होंने बंदर बनकर के हनुमान बनकर के आए और ठाकुर को सेवकाई की। कृष्ण अवतार में फिर उन्होंने कृष्ण अवतार में फिर वो गोपीश्वर महादेव रूप में कहते ये श्री गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर जी गोपी बन करके आए फिर उन्होंने सेवा की, इसलिए ये और शंकर जी हर समय क्या कर रहे हैं, बोले पंचम मुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंचम मुख में हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी पंचम मुख में हर समय भगवान की नाम जप करते हैं, इसलिए शंकर जी को पास में जाओ। जब उन्होंने श्री शंकर जी को पास में गए शंकर जी बोले भैया महामंत्र जय जपत महेशा, मैं तो पंचम मुँह में प्रभु का नाम जप करता हूँ, अभी भी नाम की कोई महिमा को था अभी तक मैंने नहीं पाया, मैं कैसे बताऊँ? बोले फिर कौन बता सकते हैं? बोले मेरे गुरु जी को पास में मेरे गुरु जी को पास में जाओ। बोले शंकर जी का गुरु कौन है? श्री अनंत देव। हाँ श्री अनंत देव को पास में गए, जब उनको पास में गए अनंत देव ने कहा भैया अनंत मुंह से अनंत काल से अनंत भगवान के नाम को तो मैं महिमा तो गा रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी इसका तो मैं अंत पाया नहीं।
बोले फिर इसको कौन बोल सकता है? जाओ धर्मराजा के पास। धर्मराज कौन है? कहते स्वयं यम महाराज है। जो धर्मराज मतलब तराज में तोल करके जीव का जो कर्म का फल को वो तराज में तोल करके पूरा जितना होनी चाहिए ठीक कर्म का अनुरूप जो फल प्रदान करते हैं वो धर्मराज उनको पास मिल जाए। जब धर्मराज के पास में गए धर्मराज बोले एक काम करो तुम दक्षिण दरवाजा में चले जाओ। जब दक्षिण चार दरवाजा वहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण बोले तुम दक्षिण दरवाजा में चले जाओ। बोले दक्षिण दरवाजा में क्या है? कहते जो पाप कर्म करते हैं जो जैसे कर्म करते हैं कर्म के अनुरूप यहाँ सजा मिलता है 84 नरक है। जब उन्हें दक्षिण दरवाजा में गए उन्होंने क्या देखा? हाँ बोले जो लोग ये तराज में हेर फेर करते हैं उनको हाथ काट रहे हैं, जो लोग शराब पिए हैं हाँ लोहे गर्म करके उसको उसको मुंह में उसको डाल रहे थे। बोले भगवान तेरे को शराब पीने के लिए मुंह दिया था ना हरिनाम करने के लिए मुंह दिया था? जो लोग मांस मछली खाते थे हैं उनको जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना गर्म तेल में जैसे पकौड़ा बनाते हैं उसको ऐसे पकौड़ा बना रहे थे हैं। और जो आँखों में उल्टा पुल्टा चीज गंदी गंदी चीज देखते थे उनको आँख निकाल रहे थे। अभी जो जैसे जैसे कर्म कर रहे थे उनको वैसे भोग भोग कर रहे थे। और उन लोग सबके सब चिल्ला रहे थे बचाओ और नहीं छोड़ दो बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे हैं। इतने में वहां पर नारद जी गए। जब उन्होंने देखा कैसे कैसे ये कर्म का फल भोग कर रहे वो देख कर ना वो डर गए। फिर तो जोर से चिल्लाए बोले बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया वो जो नरक में जो भोग कर रहे थे ना दंड भोग कर रहे थे जब उनको कान में भगवान का नाम पड़ा कान में और नारद जी शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्तों का जो हरि नाम है कहते सतांग प्रसंगात्मा वीर्य संगम है। जो शुद्ध वैष्णव जो हरिनाम ग्रहण करते हैं जो हरिनाम करते हैं वो बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान है साधारण हरिनाम नहीं है। कहते एक शब्द सामान्य और एक शब्द ब्रह्म है। साधारण लोग जब हरिनाम करें वो शब्द सामान्य है लेकिन जब शुद्ध भक्तों के मुंह से हरिनाम निकलता है। और नारद जैसे व्यक्ति एक बार ध्रुव जी को मंत्र दे दिया उससे ही काम हो गया है। ओम नमो भगवते एक बार जब उन्होंने मंत्र दिए और उन्होंने एक बार वाल्मीकि को बोला बोलो राम बोला राम बोला राम लेकिन वो राम का नाम भी नहीं निकल पाया। बोले तू बोलता था मारो मारो बोले हाँ बोले मरा मरा तो बोल सकते हो बस। उन्होंने मरा मरा करते 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 राम राम हो गया। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कहते नाम लेत भव सिंधु सुताई विचार करह सुमन मन माही। नाम लेकर के मरा मरा करते करते दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। बोले जो शुद्ध भक्त हैं पहलिया को साथ में मिले बड़ा क्रूर था जानवर को तीर मार करके आधा मारा करके रख देता था आधा मारा करके रख देता था। जब नारद जी देखे एक सुअर को छटपट करते हुए एक एक खरगोश को छटपट हिरण को देखा फिर पेड़ की आड़ से एक हिरण को पान संधान कर रहा था। जब नारद जी सामने आए हिरण भाग गया उसको तो बड़ा क्रोध हो गया बोले बाबा तेरे को और कोई जगह नहीं मिला तू आकर मेरे शिकार को तुमने नष्ट कर दिया। तो नारद जी थे बोले ये बताओ मैंने देखा रास्ता में जो आधा मरा होकर जो छटपट कर रही किसने किया? बोले मैंने किया। बोले भैया मारना तो जान से क्यों नहीं मार देते हो? बोले मैं पिताजी से सीखा है जब किसी जानवर को आधा मारा से छटपट करके देखो ना मेरे को बड़ा आनंद लगता है। मेरे को बड़ा मतलब ऐसे क्रूर था लेकिन केवल एक नारद जी को साथ में एक बार भेंट हुआ तो बस एक बार उसको प्रभु का नाम दिया तो उसका उद्धार उसकी कल्याण हो गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं लेकिन जब शुद्ध वैष्णव से हैं जब हम भगवान के नाम भगवान के कीर्तन कथा सुनते हैं उसमें क्या होता है तो बड़ा ताकतवान है मम वीर संबित भवत हृदकर्ण रसायन कथा बड़ा रसायन बड़ा हाँ हृदय और कान में बड़े आनंद देने वाले। जब उन्होंने नारद जी के मुंह से एक बार उन्होंने
नाम को सुने, सुनते ही जितने पापी थे ना, वो सारे पापी को पापी उधार होकर के सबके सब पापी सबके सब भगवत लोक में सबके सब चले गए। जब भगवत लोक में सबके सब चले गए, इतने में श्री जब महाराज नारद जी को कह रहे हैं, बोले तुमने समझ गया के समझ गया कि नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब उनको कान में प्रभु का नाम पड़ा ना, क्या हुआ, सबके सब मुक्त होकर के भगवत लोक में चले गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, भगवान और उनका जो नाम है क्या उसमें कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नियमित स्मरणे न काल, भगवान अपना नाम प्रति नियमित स्मरण करने के लिए हैं, कोई उन्होंने पाबंदी नहीं रखा, इसलिए किसी समय किसी अवस्था में भी भगवान का नाम को हम जप कर सकते हैं, हैं? जप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए नाम साक्षात भगवान, नाम साक्षात भगवान, नाम कृष्ण साक्षात है, केवल साधारण रूप में क्या दिखता है भगवान का नाम और भगवान में जैसे अलग दिखता है, अलग दिखता है, लेकिन तत्वतः बोले नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम और हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए कहते मुक्त पुरुषों का नाम कई भगवान जाने, लेकिन जो मुक्त पुरुष है, जो मुक्त पुरुष है वो क्या जानते हैं, भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, एक ही वस्तु है नाम अभिन्न स्वात नाम नाम नाम। लेकिन ये चीज अनुभूति का होगा, हम तो सुन लिया भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये चीज जिसका भजन जितना उन्नत होगा ना, जिसका भजन जितना उन्नत होगा उतना परिमाण से ही वो चीज को समझ सकता है और हरि और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। जितना आपका भक्ति में आपका उन्नत अवस्था होगा तभी ये चीज होगा। इसलिए पहले हम सुन रहे थे ना, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जात अनुराग त्रुचतीत उच्चई असत्यथ रोद तिरोध। हरिनाम करते 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 हृदय से जब अनर्थ नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कदि यही नाम ही एक दिन साक्षात नामी रूप में, नाम ही साक्षात कृष्ण रूप में एक दिन प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट होते हैं फिर नाम करते करते साक्षात, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला हृदय में अपने आप हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। फिर तो कभी प्रभु का लीला देखकर कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नाचेगा, फिर उसको ये नहीं रह जाएगा, अरे हैं ये लोग हम क्या, ये लोग क्या, हम क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या क्या नहीं बोल रहे, फिर उस समय कोई बाह्य ज्ञान तुम्हारी रहेगी नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान नाम को ही साक्षात कृष्ण जान करके, इसलिए जब हरि नाम करो है, इसलिए जब हरि नाम करो, इसलिए जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर हरि नाम कर रहे थे, कोई किसान आया ना पानी मांगने के लिए और उनने उठ करके उन्होंने नाम रख करके पानी दे दिया, गुरुदेव ने क्या किया, बोले जाओ अभी तुम्हारी कर्म में रुचि, अभी जाओ दुनिया को पानी पिलाओ, तुम्हारे हरि नाम करने का अधिकार नहीं, तुम्हारे हरि नाम करने का अधिकार नहीं। क्यों, बोले जब हरि नाम कर रहा था वो कृष्ण का सेवा कर रहा था, कृष्ण की तुम सेवा कर रहा था, क्या कृष्ण सेवा से एक किसान को पानी पिला रहा तुमका श्रेष्ठ हो गया किसान को पानी, इसलिए तुम जाओ दुनिया को पानी पिलाओ। यद्यपि ये लोग शिक्षा के लिए उन्होंने किया है, लेकिन तात्पर्य जो मूल तात्पर्य था, बोले भैया अभी तुमने बहुत भजन किए हो, अभी दुनिया को भी देख थोड़ा दो, दुनिया को भी थोड़ी सी ये कृष्ण भक्ति रास तुम दुनिया को थोड़ा पिलाओ। इसलिए गुरु जी को आदेश पाकर गए और सारा दुनिया में मणिपुर के मणिपुर में पूरा सबके सब कृष्ण भक्त बना दिया, हाँ सबको उन्होंने भक्त बना दिया। इसलिए जब हम हरिनाम करें उस समय ये भावना रख करके हरिनाम नहीं कर रहे हैं, साक्षात हम कृष्ण सेवा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा कर रहे हैं। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हमारे संजय प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाई, कल बढ़िया कथा सुनाए थे, प्रभुपाद की अच्छी अच्छी बात सुनाए थे, पीछे वाले देखिए।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नृत्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदश शिष्य श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनिरुद्ध प्रभु कहाँ गया? किसी कारण से अभी महाराज जी ने जो बात बतलाई है बड़ी सहज सरल और प्रांजल भाषा में बहुत सारे विषयों को महाराज जी ने स्पर्श किया है। हम लोग गुरु जी की कथा सुन रहे थे आज, प्रभुपाद जी को पढ़ रहे थे, उसमें भी कुछ कुछ यही विषय हमारे गुरु जी और प्रभुपाद जी उसको स्पर्श कर रहे हैं। तो विशेष करके जो हमारे ब्रह्मचारी बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम इन विषयों को, यद्यपि ये सबके लिए है, किंतु मैं पूछूंगा अनुपम प्रभु से, आपसे और आपसे, हरे कृष्णा जी से विशेष करके सुनना, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष करके हम लोगों के लिए जो त्यागी हो गए हैं और जो त्यागी होने के पथ पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रस्त भक्तों के लिए, क्योंकि उपदेश तो सबके लिए समान है, ऐसा नहीं कि कोई भेद है, उपदेश सबके लिए समान है। प्रभुपाद जी कह रहे कोई त्यागी होकर के भी ग्रस्त हो सकता है, कोई ग्रस्त होकर के भी त्यागी हो सकता है, यह वस्तु निर्भर करती है हमारी वृत्ति के ऊपर कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो गुरु महाराज जी एक बड़ी विशेष बात बतला रहे उसमें कि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने अप्रकट होने से पहले जब वो कृष्णा नगर में थे, जब वो थे गोद्रुम में, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को एक समय अपने पास में बुलाया और श्रील प्रभुपाद जी को बुला करके श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कुछ हृदय की जो इच्छा थी, अपनी जो कुछ भावना थी, जो उनकी महाप्रभु के मिशन की सेवाएं कुछ शेष रह गई थी, उसको उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने प्रकाशित किया। जैसे कि आप प्रेस लगाना, मुद्रा यंत्र स्थापन करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना, ऐसे उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए प्रभुपाद जी को, जिनको प्रभुपाद जी ने एक एक करके उनके सारे उपदेशों को पूरा किया। अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक उपदेश था कि श्री नवदीप धाम परिक्रमा जितनी शीघ्र आरंभ कर सकते हो आरंभ करना, ये श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी को बता रहे थे, जितनी शीघ्र हो ये नवदीप धाम परिक्रमा आरंभ करना, क्योंकि इससे जीवों को कृष्ण भक्ति बड़ी शीघ्र प्राप्त होगी। अब ये नवदीप धाम परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, ये एक ही स्वरूप है सर। उनकी इच्छा से, हमारे गुरु जी बता रहे इस बात को, उनकी इच्छा से श्रीला प्रभुपाद जी ने ये नवदीप धाम परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ की, किंतु गुरु जी कह रहे हैं कि इसको आरंभ करने का मूल उद्देश्य क्या था। और गुरु महाराज जी ने उस समय कुछ पुरानी प्राचीन अपनी स्मृतियाँ भी बतलाई कि अभी की जो परिक्रमा है उसमें कितनी सुविधा है, गुरु वैष्णव लोग प्रयास करके कितनी सुविधा देते हैं हम लोगों को, किंतु गुरु जी कह रहे हैं जिस समय हम लोगों ने परिक्रमा करना आरंभ किया था तो टेंट लगते थे और तीन दल होते थे। एक दल पहले जाके टेंट बांधेगा जहाँ रात्रि में विश्राम होगा, एक दल सारी व्यवस्था करेगा, प्रसाद देना, स्थान देना, एक दूसरा दल होता था जो कि यात्री लोग चले जाने के पश्चात उनका सामान, वो सारा टेंट बांध करके, यात्रियों का सामान बांध करके वो लोग उस स्थान पर पहुंचाते थे। गुरु जी कहते थे बड़ा कष्ट करके हम लोगों ने परिक्रमा की, बड़ा कष्ट करके। और गुरु जी एक स्मृति बता रहे थे, चांपा हाटी जो नवदीप धाम में एक स्थान है, वहाँ एकादशी के दिन कभी परिक्रमा हुई और सारा दिन सारी रात वर्षा होती रही और पूरा पानी भर गया, किसी को एक दाना प्रसाद पाने को नहीं मिला। गुरुजी कहते हमने अपने गुरुजी के साथ पूरा दिन पूरी रात हरिनाम संकीर्तन करते हुए बिताया, ऐसी और बहुत डिटेल्स हैं उसमें, अभी तो समय नहीं, हम सुनेंगे आगे के दिनों में। तो गुरुजी कहते इतना कष्ट करके हम लोगों ने परिक्रमा की अपने अपने गुरुजी के साथ,
अपने सामान के साथ में यात्रियों का सामान लेकर के भी हम लोग चलते थे। हर व्यक्ति एक दो यात्रियों का सामान लेकर के चलता था। इतना कष्ट करके परिक्रमा की। हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी बताते थे कि ऐसे ही कष्ट करके हम लोगों ने परिक्रमा की। तो गुरु जी वहाँ पर बता रहे इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आदेश दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने क्यों इतने विराट रूप में परिक्रमा आरंभ की, इतना कष्ट करके इस परिक्रमा को उन्होंने आरंभ कराया, इस परिक्रमा को आज तक हमारे गुरु वैष्णव लोग करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज जी कह रहे बतला रहे हैं कि इसका मूल उद्देश्य था साधु संघ। और जो एक श्लोक अभी महाराज जी बतला रहे थे उसी को गुरु जी उच्चारण कर रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कण रसायना कथा तज्जोषणा दाशव आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। गुरु जी बड़ी अच्छी व्याख्या उसकी कर रहे हैं कि साधु संघ के लिए हमारे गुरुवर इतना कष्ट उठाते इस परिक्रमा को करने के लिए। बहुत सारी बातें उसमें गुरु जी ने बताई, मैं एक पक्ष को स्पर्श करता हूँ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि साधु संघ करने का अर्थ क्या है, जैसा कि गतकल्य भी हम लोगों ने वृंदावन में श्रवण किया कि जिस समय नवदीप, बहुत सारे लोग नए हैं कल नहीं थे इसलिए बतला रहा हूँ कि जब देवानंद गौड़िया मठ में विग्रह प्रतिष्ठा हुई बहुत सारे लोग आए, परम गुरु जी ने सबसे पूछा परिक्रमा कौन कर रहा है। गुरु जी कह रहे मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको कहा कि परिक्रमा तो ये 15-20 हज़ार लोग सभी हैं, सब कर रहे हैं, किंतु परम गुरु जी ने उत्तर दिया नहीं, परिक्रमा केवल एक व्यक्ति कर रहे हैं, वो है श्री गुरुदेव, और जो उनका अनुसरण कर रहा है, जो उनका अनुगत्य कर रहा है उसकी परिक्रमा हो रही है, बाकी और कोई परिक्रमा नहीं कर रहा। अर्थात जो श्री गुरुदेव की चित्त वृत्ति को लक्ष्य करके परिक्रमा कर रहे हैं उनकी क्या भावना है, उनकी परिक्रमा होगी वास्तव में। तो गुरु जी बता रहे हैं कि इस परिक्रमा का मूल उद्देश्य है साधु संघ, किंतु साधु संघ कैसे करेंगे, कैसे साधु संघ होगा। तो गुरु महाराज जी ने बड़े अच्छे दो उपाख्यान बताए। जिस समय श्रीमद् महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, तीर्थ यात्रा करने गए महाप्रभु जी, महाप्रभु जी के साथ में बहुत सारे लोग जाना चाहते थे किंतु महाप्रभु ने किसी को साथ नहीं लिया। नित्यानंद प्रभु जी ने जोर करके एक काला कृष्णदास नाम के ब्राह्मण भक्त थे बड़े सरल हृदय के, उनको महाप्रभु जी के साथ में भेजा। किंतु क्या हुआ, उस छाया के समान महाप्रभु जी के साथ में थे, किंतु गुरु जी बतला रहे हैं छाया के समान महाप्रभु जी के साथ थे केवल बाहर से। वो एक स्थान पर भट्ट थारी जो लोग होते हैं, जो बंजारे जैसे लोग हैं, वो उनकी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गए और महाप्रभु जी को छोड़कर वहां चले गए और महाप्रभु जी को उनको खींच करके वहां से लाना पड़ा। सही प्रभु धन्य जेना छाड़े नहीं जन, महाप्रभु स्वयं गए उनके बाल पकड़ के उनको खींच कर लाए। कहां जाते हो? तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि साक्षात श्रीमन महाप्रभु के संग में होने पर भी बड़ी गंभीरता से ये समझने की बात है। और गुरु जी ने अंत में ये बात कही भी, हम लोग वर्षों से साधु संग कर रहे हैं। महाराज जी ने अपनी कथा में एक बात कही ना कि उन्नति हो रही है कि अवनति हो रही है, ये लक्ष्य करने का विषय। तो गुरु जी ने भी यही बात कही कि हम लोग इतने वर्षों से साधु संघ में हैं, किंतु साधु के जो चित्त की वृत्ति है, श्री गुरु के हृदय की जो भावना है, उसको हम कितना जान पाए, वो कितना हमारे हृदय में संचरित हो पाई है, ट्रांसफर हो पाई है, ये मूल प्रश्न है। केवल बाहर से साधु संघ करने से होगा नहीं। तो गुरु जी कह रहे काला कृष्णदास सब समय महाप्रभु जी के संघ में थे, किंतु महाप्रभु जी के संघ में होने पर भी महाप्रभु से वो बहुत दूर में थे। महाप्रभु जब गुरु जी बतला रहे वृंदावन की यात्रा पर आए तो उनके साथ में एक और सरल ब्राह्मण आए, उनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। जब महाप्रभु वृंदावन में आए तो वहां पर उस समय क्या हुआ, एक खेल जैसा हो गया। एक मछुआरा जमुना जी में रात के समय लालटेन जलाकर मछली पकड़ता था और दूर से लोगों ने क्या समझा, ये तो कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तो सारी भीड़ चल पड़ी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, सारे लोग चल पड़े कृष्ण का दर्शन करने के लिए। किंतु जब वो बलभद्र भट्टाचार्य जी जो महाप्रभु के संग में है, उन्होंने महाप्रभु से आज्ञा मांगी, आज्ञा दे जाई करी कृष्ण दर्शन, मुझको आप आज्ञा दो जाके मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। महाप्रभु ने शासन करते उतारे, कलयुग में कहीं कृष्ण का अवतार होता। जद भी शुद्धा सरस्वती ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ बतलाया कि बलभद्र भट्टाचार्य जब महाप्रभु से कह रहे हैं कि कलयुग में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए, तो वो तो महाप्रभु तो प्रकट है ही, तो इसलिए बात तो सत्य कह रहे हैं, किंतु महाप्रभु ने उन पर शासन किया, उनको रोक दिया। तो गुरु जी वहां बतला रहे हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य जी भी महाप्रभु के संग में है, किंतु क्या वास्तव में संग में है।
वो दूर कृष्ण दर्शन करने जाना चाहते हैं, किंतु महाप्रभु स्वयं कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो वहां गुरु जी बतला रहे कि केवल साथ में रहने से साधु संघ नहीं होगा। ये दो उपाख्यान बताए उन्होंने। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में एक ब्रह्मचारी मठ में रहते थे, 3-4 वर्ष हुए उनको मठ में रहते समय। प्रभुपाद जी की भजन कुटी में वो प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाते थे, मार्जन करते थे। श्रीला प्रभुपाद जी ने एक दिन अपनी हरि कथा में सारे लोग बैठे हैं, सबके सामने पूछा, ये ब्रह्मचारी कौन है, ये व्यक्ति कौन है? लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये व्यक्ति कौन है, ये तो मठवासी है, ये तो कई वर्षों से मठ में रह गए। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ना, ये तो एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए भी मठ में रहा नहीं। अब इस बात का क्या अर्थ है कि केवल शरीर से मठवास करने से, केवल शरीर से साधु संघ में रहने से वास्तव में साधु संघ नहीं होगा। हमारे श्री भारती गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी अच्छी एक बात बतलाते थे, यू आर वेयर योर माइंड इज। हमारी वास्तविक स्थिति वहां है जहां हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क है, जहां हमारा हृदय है वास्तव में, वहां हमारी स्थिति है। तो गुरु जी ने बतलाया कि बलभद्र भट्टाचार्य और काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ में होने पर भी महाप्रभु के साथ नहीं थे। दूसरी ओर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, पहले बतलाया श्री रूप गोस्वामी जी का, श्रीमन महाप्रभु जी हैं जगन्नाथपुरी में, श्री रूप गोस्वामी जी हैं वृंदावन में, कितनी दूरी है बाह्य रूप से, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी गए दर्शन करने जगन्नाथपुरी। और हम सब जानते हैं महाप्रभु के हृदय के भाव को, जिसको स्वरूप दामोदर जी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। श्री रूप गोस्वामी जी कैसे जान गए? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी बाहर से बहुत दूर होने पर भी महाप्रभु से, श्रीमन महाप्रभु जी के निकट में थे। क्यों निकट में थे? श्रीला गुरु महाराज जी और एक बड़ी अच्छी बात बतला रहे, विशेष करके श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उपदेश दिया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी, ये तो श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी बतला रहे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए, वो तो साक्षात रूप में श्रीमद महाप्रभु जी के समक्ष प्रकट काल में प्रकट नहीं थे, किंतु उनको अंतरंग परिकर क्यों कहा महाप्रभु जी का? कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, वो तो साक्षात रूप में प्रकट नहीं थे, किंतु उनको अंतरंग परिकर क्यों कहा महाप्रभु जी का? तो श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, वो लोग महाप्रभु जी से समचित्त वृत्ति विशिष्ट थे। समचित्त वृत्ति विशिष्ट अर्थात जैसी महाप्रभु के हृदय की भावना है वैसी उनके हृदय की भावना थी। उन्होंने श्रीमद महाप्रभु जी के हृदय की भावना को महाप्रभु की कृपा से अपने हृदय में स्थानांतरित कर लिया था, ट्रांसफर हुई थी। एक चित्त वृत्ति थे, समचित्त वृत्ति, इसलिए क्या हो गए? अंतरंग परिकर, जबकि महाप्रभु के प्रकट काल में वो नहीं थे। इसलिए गुरु जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जो श्रीमन महाप्रभु जी से बहुत दूर में थे, वास्तव में वो श्रीमन महाप्रभु के सबसे में निकट में थे। इसको कहते वास्तव साधु संघ। निकट में कैसे वास्तव में साधु संघ किया जाएगा? गुरु महाराज जी बतला रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, वो घर बार छोड़ करके जब महाप्रभु जी के चरणों में आए, महाप्रभु जी ने उनको दे दिया स्वरूप दामोदर जी के हाथ में। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ऐसी मर्यादा थी, वो कभी भी श्रीमद महाप्रभु जी से साक्षात रूप में कुछ नहीं पूछते थे। उनको जब भी कुछ पूछना होता था स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से पूछते थे। एक दिन उन्होंने महाप्रभु जी से साक्षात रूप में पूछा, स्वरूप दामोदर जी से पूछा, स्वरूप दामोदर जी ने कहा प्रभु साक्षात विद्यमान होने से पूछ लो। तब भी उन्होंने रघुनाथ, ये प्रसंग दूसरा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु से पूछा कि क्यों आपने मेरा घर छुटवाया, किस उद्देश्य से आपने मेरा घर छुटवाया, मैं मेरा सब कुछ संसार त्याग करके मुझको अपने चरणों में आकर्षण किया। वहां भी गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि केवल गृह त्याग कर देना वास्तव में त्याग नहीं है। वास्तव में त्याग किसको कहते हैं? त्याग तो मायावादी लोग भी करते हैं, और गुरु जी तो कह रहे हैं कि त्याग तो आतंकवादी लोग भी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं वो भी तो सब त्याग करके जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, अपना जीवन दे देते हैं, किंतु क्या वास्तव में वो त्याग है? वो तो वास्तव में त्याग नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं वास्तव त्याग किसको कहते हैं, ये दूसरा प्रसंग है, इसको हम फिर सुनेंगे। किंतु गुरु जी वहां पर जो विशेष बात बता रहे कि श्री स्वरूप दामोदर जी के हाथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार से महाप्रभु का संग करते हैं? श्री स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में 18 वर्ष तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते अंतरंग कैलो प्रभु सेवन, उन्होंने श्री स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में लगभग 18 वर्ष तक श्रीमन महाप्रभु की सब प्रकार की अंतरंग सेवाएं, सब प्रकार की अंतरंग सेवा। कैसे? जब जैसा महाप्रभु जी के मन का भाव है वैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी उनको श्लोक इत्यादि श्रवण कराते हैं, प्यार इत्यादि श्रवण कराते हैं। स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी उसी प्रकार से महाप्रभु की सेवा करते हैं।
तो गुरु महाराज जी इसके कंक्लूजन में बड़ी अच्छी बात बतलाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य और काला कृष्णदास, यद्यपि ये तो महाप्रभु की लीला है, किंतु गुरु जी बतला रहे वो लोग भी महाप्रभु के परिकर स्वरूप ही है। जैसे छोटा हरिदास जी हैं, महाप्रभु ने उनके ऊपर शासन किया, क्यों? उनकी केवल दृष्टि पड़ गई स्त्री के ऊपर, तो महाप्रभु ने शासन किया। किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है कि छोटे हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु के नित्य परिकर, उनके प्रति किसी प्रकार की असूया बुद्धि, कोई हीन दृष्टि करना उचित नहीं है। छोटे हरिदास जी महाप्रभु के नित्य परिकर है, महाप्रभु ने उनके माध्यम से ऐसी एक लीला प्रकाशित की, ऐसे ही बलभद्र भट्टाचार्य काला कृष्णदास जी महाप्रभु के परिकर है, उनके माध्यम से महाप्रभु ने जगत में एक शिक्षा प्रकाशित की है। तो गुरु जी कह रहे हैं वो लोग साथ में होने पर भी वास्तव में महाप्रभु के साथ में नहीं थे, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु से दूर होने पर भी महाप्रभु के निकट में थे। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी पुनः साथ में होने पर भी साथ में थे। मूल वस्तु क्या है जो गुरु जी कह रहे हैं, मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु है हमारे जो उपास्य हैं, अभी तो साधन काल में हम लोगों के उपास्य श्री गुरुपाद पद्मी है। गुरु जी से किसी ने विदेश में प्रश्न किया, हमारी श्याम रानी दीदी से, जब हम लोग ललिता जी विशाखा जी महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो क्या वो लोग हमारी प्रार्थना को सुनते हैं? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, नहीं सुनेंगे। षडंग शरणागति हईबे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। षडंग शरणागति जब तक नहीं होगी तब तक कृष्ण प्रार्थना कैसे सुनेंगे, उनके परिकर प्रार्थना कैसे सुनेंगे? तो हमारी प्रार्थना को कौन सुनेगा? हमारी प्रार्थना को सुनेंगे श्री गुरुदेव। इसलिए हमको जो कुछ प्रार्थना करनी है हम श्री गुरु के चरणों में निवेदन करेंगे, गुरु उसको आगे श्री भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। तो इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि वास्तव में साधु संघ का अर्थ क्या है, श्री गुरु के हृदय की जो भावना है ना। गुरु जी ने बड़ी अच्छी एक और बात बताई कि कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, उपदेश दिया गीता में, 700 श्लोक कहे लगभग, कितने सारे लोगों ने गीता को सुना, कितने सारे लोगों ने गीता को पढ़ा, किंतु क्या सभी लोग गीता के वास्तविक अर्थ को समझ पाए? गीता पर हजारों लोगों ने टीकाएं लिखी है, हजारों लोगों ने, कुछ लोग कहते हैं उसमें कर्म योग का उपदेश है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग का उपदेश है, सबने अपने अपने भावना के अनुसार समझा, किंतु गुरु जी कह रहे हैं गीता में कृष्ण की जो टोन है, ये गुरु जी ने शब्द व्यवहार किया, गीता में कृष्ण की जो टोन है, टोन अर्थात कृष्ण की जो भावना है, उसको कितने लोग समझ पाए, ये मूल प्रश्न है। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे श्री गुरु की और श्री गुरु स्थानीय वैष्णव की जो हृदय की जो भावना है, उनके संग में रहकर जब तक उनके हृदय की भावना को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जब तक उनके हृदय में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे और अपनी सेवा अपने साधन से उनके हृदय की उस भावना को अपने हृदय में हम लोग संचरित नहीं करा पाएंगे, तब तक हमारा वास्तव साधु संग नहीं हो पाएगा। गुरु जी बतला रहे कृष्ण स्वतंत्र हैं। भगवान ने दुर्वासा जी को कहा ना, अहम भक्त पराधीन। कृष्ण स्वतंत्र होने पर भी किसके पराधीन रहते हैं? भक्तों के पराधीन। ऐसी गुरु जी कह रहे भक्ति देवी भी परम स्वतंत्र होने पर भी कृष्ण से तुमार कुमी दीते पारो तुमार शक्ति आए। भक्ति परम स्वतंत्र होने पर भी भक्त के हृदय से ही भक्त के हृदय में आएगी। भक्ति प्राप्त करने का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भक्त्या भागवत ग्राह्यम ना बुद्धया ना चाटिकया। केवल भक्ति जो है वो भक्त के हृदय से ही हमारे हृदय में संचरित हो सकती है। तो इसलिए गुरु जी कह रहे हैं साधु संग करने का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल तथ्य है या जो मूल सिद्धांत है, वो है साधु के हृदय की भावना को जानना, साधु के हृदय में प्रवेश करना और अपनी सेवाओं से साधु के हृदय की उस भावना को अपने हृदय में प्रवेश करा लेना। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा वास्तव साधु संग नहीं होगा। इसीलिए और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें गुरु जी ने बतलाई कि शिला प्रभुपाद जी के समय में भी जैसा आज वर्तमान में स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति हम लोगों को अनुभव होती है, श्रेष्ठ साधु संग गुरु जी उनके जैसा समय उसकी तुलना होती है। गुरु जी जब परिक्रमा कराते थे, सभी समय होता है ना ऐसा, तुलना होती है, गुरु जी जब परिक्रमा कराते थे कैसी भावना होती थी, वो सही भी है, किंतु गुरु जी ने स्वयं एक बड़ी अच्छी बात बतलाई। शिला प्रभुपाद जी के समय में जो लोग सब समय शिला प्रभुपाद जी के साथ में रहे, नाम भी बतलाया, हम लोग मर्यादा के कारण नाम नहीं बतला सकते, वो लोग परम गुरु जी इस बात को विशेष करके कहते थे और गुरु जी उनकी बातों का रिपीट करके बतलाते थे कि वो लोग शिला प्रभुपाद जी के साथ सब समय छाया की भांति रहे, किंतु प्रभुपाद जी के हृदय को जान नहीं सके।
किंतु हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी, ये सब लोग सब समय प्रभुपाद जी के साथ में नहीं रहे, छाया की भांति तो नहीं रहे, ये लोग अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त रहे। प्रभुपाद जी का संग मिला, शिला स्वामी महाराज जी बाहर से कितना संग मिला उनको, प्रभुपाद जी का 2 बार 4 बार मिले होंगे प्रभुपाद जी से, किंतु प्रभुपाद जी के हृदय की भावना को कैसे जान लिया। और प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के पश्चात गुरु जी जिस बात को विशेष करके कह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा भी होने से हमारा हृदय, जो हम साधक है ना, चाहे वो त्यागी है, ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ है, इतनी शीघ्र हमारा हृदय जो है वो छिन्न हो जाता है, खराब हो गया, मन खराब हो गया और भक्ति में मन नहीं लग रहा और साधु के प्रति श्रद्धा नहीं। किंतु गुरु जी कह रहे हैं हमको किसका आदर्श लेना पड़ेगा, हमारे परम गुरु जी, हम लोगों ने तो कुछ भी अनुभव नहीं किया। गुरु जी कह रहे हैं जितनी विपरीत परिस्थितियाँ उन लोगों के समय में हुई, हमने तो उसका एक छटांक भी अनुभव नहीं किया। उन लोगों को किस प्रकार से मठ से बलपूर्वक बाहर निकाला गया, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया, मठ से सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया, जाओ यहाँ से। शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी प्रचार करके बाहर आए और उनको कह दिया गया आप किसी और स्थान पर जाओ, आपको यहाँ नहीं रहना है। कि जिन लोगों ने सारा जीवन सब कुछ समर्पण किया, ये विशेष करके गुरु जी कह रहे सन्यासी ब्रह्मचारियों को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ लोग तो अपने आश्रम में स्थित हैं, वो लोग तो जितना संभव है गुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, किंतु जो त्यागी लोग हैं विशेषकर सन्यासी ब्रह्मचारी, गुरु जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु महाराज जी बतला रहे हम सबके लिए कि उनको किसका आदर्श लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ होने पर हृदय खराब हो गया और भक्ति में मन नहीं लग रहा है, किंतु गुरु जी कह रहे हैं हमारे गुरुवर्गों ने कितना कष्ट सहन किया, किंतु उनका मन क्या एक क्षण के लिए भी प्रभुपाद जी का आदर्श, प्रभुपाद जी की शिक्षा, उनके आचार विचार से एक क्षण के लिए भी कहीं गया, वो बाहर निकल के आए इतना कष्ट सहन करके। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कैसे बाहर निकाला कल्पना नहीं कर सकते, हमारे साथ कैसा हुआ मैं क्या बतलाऊं आपको, उनको मल मूत्र से स्नान कराया गया, कल्पना कर सकते हैं। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी अपने अप्रकट होने से पहले जिनसे शिरूप मंजरी पति कीर्तन सुन रहे हैं उनको मल मूत्र डाल करके उनसे स्नान करा के मठ से विदा किया गया। गुरु महाराज जी बतला रहे ये भी कुछ भगवत महापुरुषों का चरित्र प्रकाशित करने के लिए भगवान की ऐसी कुछ इच्छा है। इतना कष्ट उठा करके उनको मठ से बाहर निकाला गया, तो उन्होंने क्या भक्ति करना छोड़ दिया, उन्होंने क्या साधन करना छोड़ दिया, वो क्या अनमने बन गए साधन के प्रति। गुरु जी कह रहे उल्टा उन्होंने और अधिक प्रबल रूप से अपने अपने स्थान स्थापित किए और प्रभुपाद जी के उसी आदर्श को, प्रभुपाद जी के उसी आचार विचार को लेकर उन्होंने सारे जगत में प्रचार किया। तो गुरु जी कह रहे हम किसका आदर्श लेंगे, इसलिए बड़े गंभीर रूप में बड़े सारे तथ्य उसमें गुरु जी बता रहे, साधन काल में ये तो ऑब्स्टकल्स आएंगे, ये बाधाएं तो आएंगी, किंतु हमको किसको लक्ष्य करना है। जैसे गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, कि मेरा मन सब समय खराब हो जाता है, इधर कुछ देखता हूँ उधर कुछ देखता हूँ, तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा मन तब तक खराब रहेगा जब तक तुम्हारा आदर्श मैं नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझको अपना आदर्श बना लोगे तुम्हारा मन क्यों खराब होगा, एक ही वाक्य में सारी बातें गुरु जी ने कह दी। अब हमारा आदर्श यदि बहुत सारे लोग हैं तो फिर तो मन कहीं ना कहीं हमारा विच्छिन्न होगा ही, तो गुरु जी कह रहे यदि मैं तुम्हारा आदर्श हूँ तब तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, तो इसलिए हम किसका आदर्श लेंगे, ये मूल प्रश्न है। बहुत सारी बातें उसमें गुरु जी ने बतलाई, अभी समय हो गया है, साधु संघ पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए यही परिक्रमा का मूल उद्देश्य है। और साधु संघ भी केवल शरीर से नहीं, साधु के हृदय की जो भावना है, जो आदर्श है, जो विचार, उसको कुछ हम समझे। गुरु जी ने 3 बातें बतलाई, इसको कल हम सुनेंगे। सबसे पहली बात गुरु जी ने कही समझना, बड़ी साधारण भाषा में, जैसे महाराज जी बड़ी साधारण भाषा में बता रहे, गुरु जी कह रहे समझना, अंततः समझेंगे पहले चीजों को, जब समझेंगे तभी तो उसको पालन करने का प्रयास करेंगे, और जब पालन करने का प्रयास करेंगे तभी उसमें प्रतिष्ठित होंगे। तो अभी तो हमारा समझने वाला प्रोसेस चल रहा है कि हम समझे तो सही, विचार क्या है, आदर्श क्या है, आचार क्या है, इस चीज को समझे तो अंततः साधु संघ में रहकर इस बात को, इन विचारों को हम सुने पुनः 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 समझे पुनः पुनः। वेद व्यास जी ने सारे वेदांत सूत्र के अंत में लिख दिया अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्द, पुनः पुनः करो, पुनः पुनः करो, पुनः पुनः, तो इसलिए बार बार सुने इन विचारों को, इन आदर्शों को, गुरुवर्गों के कुछ लेकर के जाए इस परिक्रमा से। गुरु जी ने भी परिक्रमा के समय बात कही कि हमने तो दे दिया सब कुछ, एक समय कार्तिक परिक्रमा के अंत में गुरु जी ने इस बात को कहा कि हमने जो दे सकते थे तुमको दे दिया वो सब कुछ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कितना लिया है और तुम उसका कितना पालन करते हो, तुम्हारे ऊपर है, हम जो दे सकते थे हमने दे दिया, तो इसलिए हम इन विचारों को लेकर के जाएंगे, हृदय में स्थान लेंगे, पालन करेंगे। आज यहीं तक रहे, समय बहुत हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
वेदांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गुरुपाद पद्म की जय। हिताई गौर ब्रह्मानंद। चलो कथा कथा में सब चलो।